मोबाइल की शॉर्टिंग अब अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले मल्टीमीटर को आपने कहाँ पे लगाया? बजर रेंज पे। ओके, ये प्रॉब यहाँ पे होनी चाहिए, रेड वाली प्रॉब यहाँ पे लगी हो चाहिए, वोल्टेज ओम मिली एम्पियर, और काली वाली प्रॉब कॉमन। अब रेड वाली प्रॉब मैंने यहाँ पे लगाई, माइनस है ये, माइनस पे लगा दी। अब इसमें अगर हम चेक करते हैं कैपेसिटर, जैसे ये लगा पोलराइज कैपेसिटर, ये पीले कलर का है, तो इस पर ये वैल्यू आ रही है, और इस साइड बीप आ रही है ये। तो ये दोनों साइड से अगर बीप करें, इस साइड से भी अगर बीप करें, आवाज़ ठीक ही आए, और इस साइड से तो आ ही रही है, तो ये शॉर्ट है, या इसके यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग है कोई आईसी से। अब ये भी कैपेसिटर लगा है, ये क्या है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, ये बीप कर रहा है। अगर ये दोनों साइड से अगर बीप करे तो ये शॉर्ट है, या इसके अगर आईसी के जो आईसी शॉर्ट है चेक करोगे, इसके जैसे ये भी शॉर्ट बता रहा है, इसके आसपास जितने कंपोनेंट लगे सारे शॉर्ट बता रहे हैं, तो क्या हो गया, वो आईसी शॉर्ट है। अगर एक से बता रहा है तो वो शॉर्टिंग किसकी कहलाएगी, वो कंपोनेंट की। अभी उसे आर बायस लगी, ये क्या लगा, रजिस्टर लगा है। अभी ये प्लस सप्लाई पे लगा होता है, दोनों साइड से वैल्यू आ रही है। अगर ये बीप करे, ये सेट भी करेगा तो सेट भी बीप करेगा। अगर ये बीप करे तो ये कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्ट है, इसकी प्लस वाली सप्लाई। ओके, इसके बाद जब कॉयल ले लो, ये कैपेसिटर लगे हैं, कैपेसिटर कॉयल, ये लगी कॉयल, कॉयल भी अगर बीप करे दोनों साइड से, बीप नहीं कर रही कॉयल, क्योंकि ये आपस में बीप करती है ना, कॉयल आपस में बीप कर रही, सही है। अगर ग्राउंड से अगर बीप करे कॉयल तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट है, तो सही है इस कंडीशन में। कैपेसिटर अगर दोनों साइड से अगर बीप करता है, जैसे ये है, दोनों साइड से अगर बीप करे तो शॉर्ट है। ऐसे भी जितने भी, जैसे अब ये कनेक्टर है, अगर ये दोनों पॉइंट इसके आपस में बीप करें इस पर तो ये शॉर्ट है, वैल्यू आ रही है, शॉर्ट नहीं है। तो अगर ये दोनों